हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में दोबारा आज का सेशन लेके, जिसमें हम लोग सीजीएल 2020 में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए 16 अगस्त 2021 शिफ्ट वन में, वो सारे 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 25 क्वेश्चन की आपके लिए मैं सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और ये जो डेली प्रैक्टिस सेशन आपके लिए चलाए जा रहे हैं, ये सीजीएल 2020 की आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए मेंस की, और सीजीएल 2021 की प्री की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। इससे पहले हम लोग 13 अगस्त 2021 को जो शिफ्ट वन, शिफ्ट टू, शिफ्ट थ्री में जो भी क्वेश्चन आए हैं, 75 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पिछली तीन वीडियो में। अभी आपको आई बटन पे उनके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और पिछली वीडियो में मेरे दो क्वेश्चन रह गए थे बैटरी कम के कारण, मैंने वो वीडियो रोक दी थी। आसान क्वेश्चन थे, डीआई के क्वेश्चन थे, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल दी है, पिछले जो वीडियो है उसके नोट्स की, तो आप लोग वहां से देख लेना। उसका सॉल्यूशन मैंने उसी उसमें दिया है, पीडीएफ में मैंने उसका सॉल्यूशन भी लिख दिया है, ठीक है। तो मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 out of 50 स्कोर था, मेंस में मेरा 197.5 out of 200 स्कोर था। और बात कर लेते हैं कि इससे पहले हम लोग सीपीओ 2020, सीपीओ 2019, सीजीएल 2019 के भी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आप लोग एक बार वो भी जाकर जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपका सबसे बेसिक चीज जो रहनी चाहिए वो ये कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबके सब आने चाहिए। तो उसी चीज को ध्यान में रख के ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूं, और ये क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर क्वेश्चंस ही आपको आगे पीछे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और कुछ चैप्टर भी मैं करा चुका हूं, तो आप लोग चैनल पर विजिट करें। तो और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने प्रीशियस रिव्यूज देते रहें। और ये हमारी वेबसाइट है, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उनके नोट्स का पीडीएफ, जो मैं पढ़ाता हूँ उनकी वीडियो जो मैं बनाता हूँ उनके लिंक वहाँ मिल जाएंगे। कमीशन के द्वारा जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, मेनली एसएससी का, बैंकिंग वगैरह का भी हम डाल देते हैं अपने चैनल पर, मेनली एसएससी का। तो सारा ए टू जेड आपको कंटेंट जो भी एसएससी कमीशन डालती है अपनी वेबसाइट पे, वो सारा का सारा हम नोटिफिकेशन डाल देते हैं टेलीग्राम चैनल पर। और फेसबुक पे हम पीडीएफ वगैरह नहीं डाल पाते, तो वहाँ पे लिंक जनरेट कर देते हैं, ताकि जो भी आप साइट विजिट करें, मतलब जो लिंक से साइट खुले, तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन पढ़ने को मिल जाए। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी मैं आपके लिए फ्री मैथमेटिक्स कोर्स लेकर आया हूँ वो आप लोग अच्छे से कर सकें। और प्रैक्टिस सेशन तो डेली आपके चलेंगी, और 31 मार्च तक ट्राई रहेगा कि आपके सीएचएसएल 2020, सीएचएसएल 2019 जो कि रह गया था, और सीजीएल 2020 के तो अभी खत्म हो जाएंगे, मेन से पहले ही हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई इंक्वायरी हो तो ईमेल आईडी पर मेल कर दें, और व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके आप लोग इंक्वायरी ले सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर, क्वेश्चन में बोला है कि जो अनुपात है मदर और डॉटर की एज का वो है 7:1। क्वेश्चन में बोला है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद रेशियो जो होता है वो 4:1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द डिफरेंस इन ईयर्स इन देयर प्रेजेंट एजेस। देखो मैंने आपको एक चीज बताया क्या, कि आफ्टर 5 ईयर्स बोला है, 5 ईयर मतलब दोनों की एज में 5-5 साल बढ़े हैं, मतलब मदर की एज में भी 5 साल बढ़ गए और डॉटर की एज में भी 5 साल बढ़ गए। तो आपने देखा कि दोनों में कॉन्स्टेंट एक चीज ऐड हुई है, क्या, कि 5 ईयर्स। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में भी बताई थी ये चीज, क्या, कि जब दोनों जगह कॉन्स्टेंट चीज ऐड हो, मतलब यहां पे भी सेम चीज ऐड हो रही है, यहां पे भी सेम चीज ऐड हो रही है, और आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना 0, इन दोनों का डिफरेंस कितना 3, पर डिफरेंस इक्वल नहीं है। आपको डिफरेंस भी इक्वल बनाना है। डिफरेंस इक्वल बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना 6, आप ऊपर कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, मतलब नीचे वाले का जो डिफरेंस है ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले का जो डिफरेंस है आप नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपको यहां से एक चीज देखने को मिलेगी कि आप यहां पे मेरे हिसाब से काट भी सकते हो, ठीक है, आप इसको काट भी सकते हो। आपने देखा 3 और 6, आपने इसको काट दिया, तो आपने देखा यहाँ पे तो 7:1 ही आ गया, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये 8:2 आ गया। फिर आपने देखा कि अब डिफरेंस इक्वल है, ठीक है, आपने देखा अब डिफरेंस इक्वल है। और अगर आप 3 और 6 से भी अगर आप सॉल्व करते क्वेश्चन, आपका तब भी सॉल्व हो जाता, पर कैलकुलेटिव हो जाता थोड़ा सा ज्यादा, इतना भी नहीं पर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता। आपने देखा 7 में 1 ऐड किया 8,
एक में एक ऐड किया दो, मतलब दोनों का डिफरेंस इधर भी वन आ गया इधर भी वन आ गया। तो आपने देखा एक की वैल्यू, आपने देखा एक में एक बड़ा है, मतलब रेशियो के हिसाब से एक बड़ा है, और क्वेश्चन में कितना 5 साल बड़े हैं आफ्टर 5 ईयर, तो एक की वैल्यू 5 ईयर्स आ गई। अभी आपसे पूछा गया, आपसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एजेस। देखो अगर आप 7 की वैल्यू निकालोगे मदर की एज आ जाएगी प्रेजेंट में, अगर आप 1 की वैल्यू निकालोगे जो कि आ चुकी है आपकी पहले ही, वो डॉटर की एज आ जाएगी, और 8 की और 2 की वैल्यू निकालोगे तो मदर और डॉटर की एज आफ्टर 5 ईयर्स की आ जाएगी। आपको बताना क्या है व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एजेस। आपने देखा प्रेजेंट एज 7:1 है, इनका डिफरेंस कितना 6, डिफरेंस ही पूछा था, तो आपका 30 ईयर। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लें, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमने देखा कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 - sin² थीटा लिख सकते हैं, और या फिर इसको आप चेक कर लो, थीटा 30 डिग्री रख के और 45 डिग्री रख के और 60 डिग्री रख के, आपने 30 डिग्री रखा, 30 डिग्री रखा तो आपने देखा यहाँ से 3 - 3/4 - 4 - 1/2 + 1 आ गया, ठीक है। तो आपने देखा ये 2 हो गया और ये 9/4 और 1 - 13/4 - 2 जीरो नहीं हो सकता, मतलब 30 डिग्री वैल्यू खल्लास। अब इसके बाद आप 45 रखें, 45 जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे 3/2 आ गया यहाँ पे, मतलब cos थीटा क्या होता है 45, cos 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और 4 * 1/√2 और यहाँ पे रूट आ गया, मतलब जीरो अब भी नहीं हो सकता, 45 डिग्री भी खल्लास। 60 डिग्री रख लो, आपने 60 डिग्री रखा तो आपने देखा यहाँ से तो 1/4 आ गया और 4 * √3/2, अब ये √3 नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे भी, मतलब तीनों में से एक भी वैल्यू आपकी सेटिस्फाई नहीं होती। जब भी आपकी वैल्यू तीनों में से कोई सेटिस्फाई ना हो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें, ठीक है। तो आपने सॉल्व किया तो आपने देखा यहाँ पे ये बन गया, अब इसको सॉल्व किया आपने 3 - 3 sin² थीटा, ठीक है, -4 sin θ +1 आ गया इधर, और यहाँ पे अगर आपने देखा इसको राइट हैंड साइड अगर आप ले गए तो 3 sin² θ, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है सॉरी, +4 sin θ और यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1 4 और इधर जाके -4 हो जाएगा = 0, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर ले, 3 * 4 = 12 दिया हुआ है और 6 * 2 = 12 होता है, ठीक है। तो आपने देखा 3 sin² θ +6 sin θ -2 sin θ, ये थोड़ी हैंड राइटिंग में कर लेना एडजस्टमेंट क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, तो ठंड के कारण हाथ जाम है, और यहाँ पे sin θ + 2 = 0। अब आपने देखा दो फैक्टर बन गए क्या, 3 sin θ - 2 = 0 हो जाएगा, तो sin θ की वैल्यू क्या आ गई, sin θ की वैल्यू एक तो आ गई 2/3 और एक वैल्यू आ गई आपकी -2। आपको पता है -2 तो वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि sin θ और cos θ जो है -1 से 1 के बीच में लाया करता है। अब आपने देखा 3 sin θ, मतलब sin θ की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, -2 तो कट ही जाएगा। तो आपने देखा कि अगर sin θ की वैल्यू 2/3, मतलब आपको पता है पहली बात क्या, आपको पता है कि sin θ जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर कितना आ गया 2, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 3। तो आपने देखा कि अगर मैं बेस निकालूं बेस कितना आ जाएगा, आपने देखा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9, -4 कितना हो जाएगा 5, तो मतलब आपका बेस कितना आ गया √5। आपको tan θ + sec θ बताना है, tan θ क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और sec θ क्या होता है, आपको पता है sec θ होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है। तो ये 5/√5 आ गया, जिसकी वैल्यू आपकी √5 आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ एरिया इतना, मतलब स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है सर्कल, उसका एरिया आपको बताना है। आपको पता है कि अगर स्क्वायर का एरिया जो है वो 784 है तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, आपको पता चल गया कि ये जो 784 होता है ये 28 का स्क्वायर होता है, तो साइड जो हो गई वो कितनी हो गई 28। आपको पता चल गया कि इसकी जो स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी होगी 28 सेंटीमीटर। अब आपने देखा कि ये जो डायामीटर इसका होगा सर्कल का वो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर 28 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई 14, ठीक है। आपने देखा 14 रेडियस, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर, आर की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 14, यहाँ पे 2 आ गया, तो 14 * 2 = 28 और * 22 अगर आप करो तो 616 आता है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में बोला है ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। आपने मान लिया ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो आपने देखा ये 90, पहली बात तो आपने ये 90 बना दिया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद बोला ए बी 12 सेंटीमीटर, ए सी जो है 16 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग, आपने देखा एक और चीज बोली है क्या, ए डी जो है वो परपेंडिकुलर टू बी सी है, मतलब ये बी सी है तो ए डी परपेंडिकुलर, तो आपने यहाँ 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो आपको ये पता है कि बी सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। बी सी की वैल्यू कितनी आ गई आपको पता है, 12, 16 और 20 का ट्रिपलेट होता है। तो आपने देखा 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, 144 में अगर 256 में जोड़ू तो 400 आ जाएगा, 400 का अंडर रूट कितना होता है 20। तो आपके पास बी सी की वैल्यू 20 आ गई, जिसको ट्रिपलेट याद है तो बहुत अच्छी बात है, वो एक मिनट में बताएगा, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे फिर वो मजा नहीं आता, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आप लोग याद रखें कि 12, 16, 20 का ट्रिपलेट होता है, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, और ये 3, 4, 5 से ही बना है। देखो कैसे 3, 4, 5 से ऐसे बना है कि अगर आप 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट है तो अगर आप इसको K से, K मतलब K की कोई भी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप इंटू 1 करेंगे वो भी ट्रिपलेट, इंटू 2 करेंगे वो भी ट्रिपलेट। अब आपने 2 किया यहाँ पे तो क्या बन गया, 6, 8, 10 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 9, 12, 15 ट्रिपलेट होता है। तो ये सारी चीजें हैं आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे क्या पूछा है, बीडी, बीडी की लेंथ पूछी है। आपको पता है कि बीडी की लेंथ क्या होगी, बीडी की लेंथ जो होती है वो एबी का स्क्वायर मतलब इस वाली का स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज होगा। और अगर आपसे पूछता कि सीडी की वैल्यू बताओ, सीडी जो होती वो इसके साथ में ये वाली साइड है, कौन सी साइड है इस सीडी के साथ, एसी, एसी का स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज होता। मतलब इसको निकालते कैसे हैं, जब भी यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरे एडी, मान लो AD जैसे परपेंडिकुलर गिरा BC पे, तो D से B तक की लेंथ अगर बतानी है तो इनके साथ में जो साइड है B के साथ जो अटैच हो रही है वो कौन सी साइड हो रही है, AB। और अगर CD बतानी है तो C के साथ जो अटैच हो रही है वो क्या होती है, AC। तो AB का स्क्वायर बाय BC और AC का स्क्वायर बाय BC, दोनों में हाइपोटेन्यूज तो कॉमन नहीं होगा। और अगर कोई बोले कि सर AD की भी बता दो, तो AD जो होता है वो क्या होता है, AB इंटू AC, मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो BD की आपको लेंथ बतानी है, AB का स्क्वायर 12 इंटू 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, और यहाँ पे आपने देखा कि ये गया 6 पे, 12 6 72 बाय 10 7.2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किया, थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क है। क्वेश्चन में बोला है ट्रेन रन फर्स्ट 75 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड एंड नेक्स्ट 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आर मोर देन नॉर्मल स्पीड। ट्रेन ने क्या किया, पहले जो 75 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो तो उसने अपनी नॉर्मल यूजुअल या यूनिफॉर्म स्पीड पे तय किया, उसके बाद अगले जो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो इसने नॉर्मल स्पीड से 10 किलोमीटर पर आर ज्यादा स्पीड पे किया। उसको टाइम लगा कितना, 3 आर टू कंप्लीट द जर्नी, देन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू कवर 300 किलोमीटर विद द नॉर्मल स्पीड। अब आप एक चीज दे सकते हैं क्या, कि आपको और कुछ पूछ लिया, आपसे ये नहीं पूछा कि नॉर्मल स्पीड की वैल्यू बताओ, आपको बोला कि नॉर्मल स्पीड से अगर 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसका टाइम बताओ। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि उसको टाइम कितना लगा 75 किलोमीटर ट्रेवल करने में, फिर हमने देखा कि उसको टाइम कितना लगा 90 किलोमीटर ट्रेवल करने में, और दोनों टाइम मिला के आपके पास आ कितना जाएगा 3 आवर्स, मतलब उसको टोटल टाइम टू फिनिश द जर्नी कितना लगा 3 आवर्स। आपने पता किया क्या कि 75 किलोमीटर जब उसने ट्रेवल किया तो उसको कितना टाइम लगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 75, स्पीड कितना यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड को आपने मान लिया एक्स। ठीक है, और फिर 90 किलोमीटर ट्रेवल किया पर यूजुअल स्पीड या नॉर्मल स्पीड से 10 किलोमीटर पर आर ज्यादा स्पीड पे, यहाँ पे वैल्यू आपकी 30 आ गई। अब आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, या तो अगर आपसे पूछता कि नॉर्मल स्पीड बताइए, नॉर्मल स्पीड अगर आपसे पूछता तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते। ठीक है, पर यहाँ पे उसने चलाकी करी, क्या चलाकी करी कि यार 300 किलोमीटर डिस्टेंस जो है नॉर्मल स्पीड पे कितने टाइम में ट्रेवल कर देगा, ये चीज आपसे पूछी थी। अब आपको हर हालत में इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो आप इसको सॉल्व करो, 75x+10 90x, ठीक है, और यहाँ x² + 10x हो गया, ये 3 हो गया, तो इधर हो गया 3x² + 30x, और इधर हो गया 75x, 75x को अगर मैं इसके साथ जोड़ के ही लिख दूँ, चलो 75x ही लिखो, ऐसे 750 लिख दो, 90x और इधर हो गया 3x² + 10x। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन तैयार होती है वो इक्वेशन कुछ होगी, 3x² आ गया एक तो पहले, तो ठीक है,
यहाँ 10x है, यहाँ 30x आएगा सिर्फ, ठीक है, 3x स्क्वायर, और इधर गया -60, -60 में -75 अगर ऐड करें तो -135x आ जाएगा, और -750 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये आ गया 3750 आ गया, तो 750 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये लिखा हुआ है कितना, 2250, 2250 लिखा है, मतलब ये 15 का स्क्वायर होता है, अगर मैं 15 × 15 × 10 यहाँ पे कर दूं तो मैं बना सकता हूँ 150 और 15 फैक्टर बना सकता हूँ, 135 को मैं 150 और 15 फैक्टर बना सकता हूँ, चलो बना लो 750, ठीक है। और अब आपने देखा कि अगर मैं 3x को कॉमन ले लूँ तो x माइनस 50 हो गया, और इधर से अगर मैं 15 को कॉमन ले लूँ तब भी x माइनस 50 हो गया, ठीक है। एक तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 50, और एक आपके पास x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, -5, -15/3 कितना, -5, -5 वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव में होगी ही नहीं। तो आपके पास जो नॉर्मल स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा टाइम कितना लगेगा 300 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में यूनिफॉर्म स्पीड पे या नॉर्मल स्पीड पे, तो ये 6 घंटे लग जाएंगे भैया, ठीक है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है ए कैन डू अ वर्क, ए कैन डू सर्टेन वर्क इन 15 डे, चलो ठीक है जी। उसके बाद बोला है कि बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। आपने देखा क्या कि यार ए से बी का कंपैरिजन कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू 100 मान लेता हूँ तो बी की कितनी होगी 25% ज्यादा, मतलब 125। तो आपने इसको काटा, ये कितना आ गया, 4:5। आपको पता है ये क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो, वही एफिशिएंसी का रेशियो होता है जो वन डे वर्क का रेशियो होता है। आपको एक चीज पता लगेगी यहाँ पे, क्या कि वन डे वर्क और एफिशिएंसी की वैल्यू में पहले भी टाइम एंड वर्क में भी मैंने ये चीज कराई थी कि वन डे वर्क जो होता है और एफिशिएंसी जो होता है एक ही बात होती है, तो वन डे वर्क का जो रेशियो होता है वही एफिशिएंसी का रेशियो होता है। तो वन डे वर्क की वैल्यू ए की आ गई 4, बी की आ गई 5। तो आपने देखा क्या कि टोटल वर्क सबसे पहले मैं निकालूंगा, टोटल वर्क अगर मैंने निकाला तो मैंने देखा कि ए जो है 15 दिन में काम खत्म कर देता है, और एक दिन में ए वन डे वर्क मतलब एक दिन में ए 4 काम करता है। आपने देखा एक दिन में ए अगर 4 काम करता है और 15 दिन में काम खत्म कर देता है तो टोटल काम है कितना, 60, मतलब एक दिन में 4 काम किया और 15 दिन में कितना कर लिया, 60, मतलब 60 दिन में एक दिन में ए ने 4 काम किया, तो 15 दिन में ए कितना काम कर लेगा, 60, मतलब टोटल वर्क जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 60, क्योंकि ए ने उसको 15 डेज में खत्म कर दिया। क्वेश्चन में बोला है बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। आपने देखा कि एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, 4 और 5 9, 4 दिन में कितना कर लेंगे, 36, तो मतलब टोटल वर्क है 60, जिसमें से 36 काम उन्होंने कर लिया तो रह कितना गया, 24। अब ये 24 काम जो है ये सी अकेला कितने दिन में कर देगा, 8 दिन। तो आपने देखा वर्क बाय टोटल टाइम जो को लगा वो कितना लगा रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में, 8, तो यहां से आगे वैल्यू 3 है। ये जो 3 आया है ये या तो एफिशिएंसी आप बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं वन डे वर्क जो आया है किसका आया है, सी का आया है। भाई सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3, तो आपके पास ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया यहाँ पे, मतलब एफिशिएंसी या वन डे वर्क जो आपके पास सी का आया वो कितना आ गया, 3 आ गया। अब ए बी सी विल टुगेदर डू द सेम वर्क इन, आपने देखा टोटल वर्क कितना, 60 बाय वन डे वर्क, किसने काम करना है, अब ए बी सी तीनों ने काम करना है, तो 4 + 5 + 3 इसकी वैल्यू आ गई 12, 60 / 12 अगर मैं काटू तो यहां पे 5 डेज आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको सबको पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, ठीक है, और इधर आपके पास 405 लिखा है। आपने देखा a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी की वैल्यू आपको 9 दे रखी है, 9 पे अगर आप देखो तो ये 45 पे गया सबसे पहले तो, और अंदर क्या लिखा हुआ है, 9 का स्क्वायर 81 -3ab। ये क्वेश्चन तो वैसे आपको खुद ही करना चाहिए था पर मैं कर रहा हूँ आपके लिए, इट्स ओके, आपने किया मैंने किया एक ही बात है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 12। चलिए क्वेश्चन में बोला है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, मान लीजिए सर्कल है इसका सेंटर यहाँ पे होगा, चलो ठीक है ओ, ठीक है, रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, ए बी और सी डी जो है 2 पैरेलल कोर्ड्स है, चलो ये दोनों कोर्ड है और आपस में कोर्ड है और आपस में दोनों पैरेलल है, ठीक है।
एक की लेंथ दे रखी है, ए बी की लेंथ दे रखी है 6, मतलब ये भी 3 हो गया, ये दोनों इक्वली होंगे आपस में, ये भी 3 हो गया, ठीक है। टोटल जो है वो कितना है, 6 है। एंड द कोर्ड्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, ठीक है, कोर्ड्स जो थे वो ऑपोजिट साइड थे किसके, सेंटर के। तो आपने देखा सेंटर के, अगर ये इस वाली साइड इधर कोर्ड, तो ए नीचे आ गया, मतलब सी डी जो कोर्ड है वो इधर साइड आ गया। अगर ए बी ऊपर है कोर्ड, तो सी डी जो है नीचे आ जाएगा कोर्ड, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द कोर्ड्स, मतलब इन दोनों कोर्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 7। वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने इसकी वैल्यू बतानी है कि ये कितना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, पहले तो बहुत आता था ये क्वेश्चन, अब भी रज के आ रहा है ये क्वेश्चन, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है और हर एग्जाम में देखने को मिलता है, सीजीएलओ सीएचएसएलओ सीपीओ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से समझ लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है क्या रेडियस कितनी, आपने क्या किया ओ से बी को मिला दिया सबसे पहले तो, ठीक है। आपको पता है रेडियस कितनी दे रखी है, आपको पता है सेंटर से अगर मैं सर्कमफ्रेंस का कोई पॉइंट ज्वाइन करूंगा तो रेडियस बन जाता है, रेडियस दी कितनी है, 5। आपको पता है कि अगर मैं सेंटर से कोर्ड पे परपेंडिकुलर डालूं तो वो मिड पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करेगा, या फिर अगर मैं कोर्ड का सेंटर जो है, मतलब कोर्ड का जो मिड पॉइंट है सेंटर से मिला दूं तो ये 90° एंगल बनाएगा। आपने देखा मिड पॉइंट है, मतलब 3-3 हो गया, अगर ये 5 ये 3 ये 90° है तो ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। टोटल है 7 सेंटीमीटर, मतलब दोनों कोर्ड के बीच का डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर, जिसमें से ये 4 हो गया, तो ओ से लेके यहाँ पे ओ एफ कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। आपको पता है 3 सेंटीमीटर अगर ये डिस्टेंस हो गया, अगर ये डिस्टेंस जो है आपका 3 सेंटीमीटर हो गया और ये आपको पता है कितना, रेडियस 5, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, आपने क्या किया सी डी के मिड पॉइंट से सर्कल को, सी डी के मिड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो है 90° पे कटेगा। अगर ये 90° और ये 3 ये 4 तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 3 ये 5 तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो आपने देखा कि ये जो है मिड पॉइंट था, मतलब ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो आपने देखा मिड पॉइंट जो है दो इक्वल पार्ट में बांट देगा किसको, कोड को। तो अगर ये 4 हो गया तो ये भी 4 हो गया, टोटल लेंथ जो होगी कोड की कितनी, 8, मतलब एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 8, फिगर से ही सॉल्व हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन, x की पावर 4 तक जाना है और ये क्या लिखा हुआ है, 2x की पावर 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3x की पावर 4, और लिखा भी इसी फॉर्म में है 2x और 3x। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, पहले स्क्वायर कर लो। स्क्वायर किया तो आपने देखा 4x² - 9x² और यहाँ पे कितना आ गया आपका, 2 × यहाँ प्लस आएगा आगे माइनस आएगा, चार आ गया, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा 4x² + 9x² इसकी वैल्यू होगी 2 × 4 = 12, 12 × 4 = 16। अब आप स्क्वायर कर दो दोबारा, 16x की पावर 4 81x की पावर 4 256, 9 × 4 = 36 और यहाँ 72, ठीक है। तो 256 में से 72 अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4, 15 में 7 गए 8, 184। तो 184 इज द करेक्ट आंसर, आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, मान लीजिए सेंटर होगा यहाँ पे कहीं ओ, ए बी जो है डायमीटर है मान लिया, और सी डी जो है वो कॉर्ड दिया है, सच दैट इस तरह से है कि ए बी सी की वैल्यू जो है वो 34° है, चलो ठीक है। एंड सी डी इक्वल टू बी डी, मिला दो, आपने मिलाया स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, थोड़ा मुझसे वैसे मिली है, स्ट्रेट लाइन है, तो सी डी बी डी का इक्वल हो गया। अब आपको पूछा है एंगल डी बी सी, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। से पहली बात तो आप देखोगे कि अगर मैं ए से सी को मिला दूं, अगर मैं ए से सी को मिला दूं तो आपने देखा कि डायमीटर जो ए बी है सी पे, जो कि सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है, कितने का एंगल बनाएगा, 90° का एंगल बनाएगा। आपने देखा अगर ये 90° हो गया, ये 34 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 56°, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180°। अब आपको पता है ए बी सी डी जो है
वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आमने सामने वाले एंगल का जोड़ 180 के इक्वल होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब आपको पता है ये 56 हो गया, तो ये वाला एंगल जो है आपका कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल आपका आ जाएगा 124 डिग्री, ठीक है। और आपने देखा कि सी डी इक्वल टू बी डी है, जब दो साइड एक ट्रायंगल की इक्वल है तो इनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो 124 डिग्री अगर ये है तो बचे हुए दो एंगल का जोड़ कितना होगा, 56 डिग्री। 56 को आधा आधा कर दो, ये भी 28 हो गया और ये भी 28 हो गया, आसान क्वेश्चन है। अब ये देखो, पिछली बार क्या पूछा था आपसे, मतलब सबसे पहली शिफ्ट में पता नहीं दूसरी शिफ्ट में आपसे क्या पूछा था कि अगर एक नंबर को एक्सक्लूड करो, क्वेश्चन सेम था, आपकी बार दो नंबर को एक्सक्लूड किया हुआ। देखो आपको पता है क्या कि 22 नंबर्स हैं, मतलब ये पहला नंबर, ये 11वां नंबर, ये 12वां नंबर और ये 22वां नंबर, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर, मतलब पहले तो यहां तक कवर कर लिया, फिर एवरेज ऑफ लास्ट 12 नंबर, मतलब यहां तक कवर कर लिया। अब आपको निकालना क्या है कि अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं 11वां और 12वां नंबर, तो एवरेज बताना है रिमेनिंग नंबर्स का। आपको पता चल गया कि इस वाले एवरेज में भी 11th और 12th दोनों नंबर है, और इस वाले एवरेज में भी 11th और 12th दोनों नंबर है। मैं क्या करता हूं, यहां से पहले सम निकाल लेता हूं, सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स, ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, सम ऑफ लास्ट 12 नंबर, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि ये सम ऑफ 12 नंबर्स तो है ही है, फर्स्ट 12 नंबर और ये सम ऑफ लास्ट 12 नंबर। अब मुझे पता चल गया कि ये जो है टोटल मिला के सम ऑफ 22 नंबर्स, जो कि इक्वेशन में दिया है, टोटल नंबर कितना है 22, ये सम ऑफ 22 नंबर तो है ही है, प्लस इसमें 11वां और 12वां नंबर दो बार है, एक बार तो इसी में ही आ गया, सम ऑफ 22 में 11 12 आ गया, और एक बार 11 12 अलग से आएगा नंबर। क्यों आएगा अलग से, क्योंकि इसमें भी 11 12 है, इसमें भी 11 12 नंबर है, तो दो बार 11 12 नंबर जोड़ा गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि सम ऑफ 22 नंबर्स और 11th और 12th दो बार जोड़ा हुआ है, अगर मैं इसमें से सम ऑफ 22 नंबर्स माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11th और 12th नंबर का जोड़ आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, आपने देखा कि सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर कितना आ जाएगा, आपने देखा एवरेज कितना 40.6 × 12, सम ऑफ लास्ट 12 नंबर जो कि ये है एवरेज कितना 35.4 × 12 माइनस सम ऑफ 22 नंबर्स, तो आपने देखा एवरेज कितना है, इतना, एवरेज इंटू टोटल नंबर कितने, इतने। तो यहां से आपके पास 11th और 12th नंबर का सम आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लो, क्वेश्चन को आपने जब सॉल्व किया, वेट अ सेकेंड, तो इन दोनों को सॉल्व किया आपने तो 825 आ जाएगा यहां से, तो ठीक है, और इन दोनों का एडिशन जो आपके पास आएगा वो आपके पास आ जाएगा, मैंने पहले से ही करके रखा है, 912 आ जाएगा। तो 912 में से 825 गया तो आपकी वैल्यू आ गई कितनी, 87, मतलब 11th और 12th नंबर का जोड़ जो आपके पास आया कितना, 87। क्वेश्चन बोला है अगर इन दोनों नंबर को निकाल दिया जाए तो एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। पहली बात तो आपने देखा कि सम ऑफ 22 नंबर्स है कितना, इतना। अब इसमें से 11th और 12th नंबर निकालना है, मतलब दोनों का जोड़ निकाल दो, दोनों का जोड़ कितना है 87। अब बचे कितने नंबर, आपने देखा 22 नंबर थे जिसमें से 11, 12th निकाल दिया, मतलब दो नंबर निकाल दिया, तो बचे कितने नंबर, 20 नंबर बचे। सॉल्व कर लो, ये कितना था 825 में से 87 गए तो कितना आ जाएगा, 738/20, तो 36.9 आ जाएगा, 36.9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्चुअली में हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। अब ये दिया है क्वेश्चन में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आपको इतनी दी है, चलो सॉल्व कर लो। आपने देखा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 7 कोसेक थीटा माइनस 7 कॉट थीटा, ठीक है, तो 8 कॉट थीटा हो गया और 3
तीन नहीं सॉरी 6 कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ से ये कितना आ गया, 4। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा तो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आई है कितनी, 3 बाय 4। अब कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपके पास 3 बाय 4 आई है, आपको पता है कॉस थीटा होता क्या है, मतलब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, राइट एंगल, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री लगती किस पे, राइट एंगल ट्राइंगल पे। आपने देखा कि ये 90 डिग्री, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर ये 4 ये 3 तो ये कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 कितना आ गया, √7, मतलब परपेंडिकुलर आपके पास कितना आ गया, √7। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 sin² θ, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √7/4। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 7/16 माइनस 1, 4 × 7/16 + 5, ठीक है। तो ये 7/4 हो जाएगा, 7/4 − 1 तो कितना हो गया, 3/4, और 7/4 + 5 ये कितना हो गया, 27/4। तो इसको देखा तो 1/9 आ जाएगा, 3 और 27 भी आपस में कट जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा 2 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल हैं, तो आप किसी भी एक वेरिएबल को 0 मान लो, मैंने क्या किया, z को 0 माना, तो यहाँ पे कितना आ गया, x + y = 2 आ गया, ठीक है। और इधर से क्या आएगा, z अगर 0 है तो yz 0 और xz भी 0 हो जाएगा, तो xy की वैल्यू जो है -11 आ जाएगी। और इधर क्या बचा आपके पास, इधर बचा x³ + y³, क्योंकि यहाँ पे भी z 0 पुट करोगे, यहाँ पे भी 0, तो 0 ही हो जाएगा सारा कुछ। अब x³ + y³ आपको पता है, मतलब x³ + y³ आपको निकालना है। x³ + y³ होता क्या, x + y, x + y² - 3xy। तो x + y कितना, 2 का स्क्वायर कितना 4, -3 ऑफ -11, 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33 + 4 = 37, 37 का 2 गुना करेंगे अगर हम, 2 गुना करेंगे तो 74 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, बहुत बार आया है, हद से ज्यादा बार आया है, ठीक है, x + y + z। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो अगर आप थीटा को 45 डिग्री पुट करोगे ना, तो ये वाले दोनों ऑप्शन सिमिलर हो जाएंगे और ये वाले ऑप्शन सिमिलर हो जाएंगे। आप इस क्वेश्चन में या तो थीटा को 30 पुट करो या फिर करो 60 पुट। पहले मैं 30 पुट करता हूँ, मैंने 30 पुट किया, पहले क्या मतलब मैं 30 ही पुट करता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2/3, ठीक है। 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, उसका स्क्वायर कितना हो गया, 1/3, और 2 × 1/2 और sec² θ हो गया। sec² θ मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। आपने देखा 1 + 2/3 + 4/3 जो होगा वो 6/3 हो गया, और 6/3 कितना होगा, ये आ गया। अब मैं थीटा को क्या करूं, 30 डिग्री पुट कर देता हूँ। अगर मैं थीटा को यहाँ 30 डिग्री पुट करूँ तो 1 - 1/2 और 1 + 1/2 आ गया। तो आपने देखा 2 - 1 = 1 और 2 + 1 = 3 हो जाएगा, और 2 से 2 तो कट गया, और यहाँ पे आपका 3 आया, यहाँ पे 1/3, मतलब ये ऑप्शन गलत। इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा ऊपर आ गया 3/2, नीचे आ गया 1/2, 2 से 2 गया, तो आंसर कितना, 3, मतलब आपका ऑप्शन ये वाला मैच हो गया। क्वेश्चन में बोला था इनकम ऑफ ए, ऐसा ऐसा सेम क्वेश्चन आ चुका है, इससे पहले भी हम लोग सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, लेस देन और मोर देन वाला, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, और आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप पहले इसको सॉल्व कर लें। 137.5 को अगर मैं देखूं, तो आप इसको 12.5 पे अगर काटेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। और बी की जो इनकम है वो सी से कितनी ज़्यादा है, आपने देखा सी कितना 8, तो बी की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 11 ज्यादा है, सी से 11 ज्यादा है, सी की 8, तो बी की कितनी होगी, 8 + 11 कितना, 19 आ जाएगा। और ए रेशो बी जो है, आपको बोला है इनकम ऑफ बी से 30% कम है, तो मतलब 70% है, 7:10 ए रेशो बी आ जाएगा, ठीक है। तो ए रेशो बी जो है आपके पास आ गया कितना, 7:10, और ए रेशो सी जो है, नहीं, बी रेशो सी जो है आपके पास कितना आ गया, 19:8। इसको सॉल्व कर लेना, ए रेशो बी रेशो सी बना के, और ए और बी का डिफरेंस आपको इतना दिया, सी की वैल्यू निकल जाएगी आपके लिए। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना इसे।
क्वेश्चन में बोला था सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड फॉर इतना आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट्स इतना, ठीक है। आपको पता है मार्क प्राइस अगर इतना है, ठीक है, तो पहला जब डिस्काउंट दिया कितना 20%, मतलब 20% डिस्काउंट दे दिया, मतलब मार्क प्राइस की 80% वैल्यू पे बेच दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया कि ये अब मार्क प्राइस बन गया दोबारा, मतलब पहले क्या था मार्क प्राइस 10,000 था, उस पर पहला डिस्काउंट दिया, पहला डिस्काउंट कितना 80% जो है वैल्यू पे बेचा, मतलब 20% डिस्काउंट दिया पहला। आपको पता है कि जब 20% डिस्काउंट दिया मतलब उसने जो मार्क प्राइस की 80% वैल्यू है उस पर बेचा, या फिर आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100 होता है किसकी वैल्यू, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आपने देखा मार्क प्राइस इतना बना, फिर उसके बाद उसने 10% का और डिस्काउंट दे दिया, मतलब उसने 90% वैल्यू पे बेचा। तो आपने देखा जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 7200 आ जाएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है, 7200 आ गया। अब आपके पास एक और डिस्काउंट आपको देना है, वास्तव में आपका सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है इतना, तो 7200 रुपये आपका दो डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस बना था, एक डिस्काउंट और देना है, तो कितने का डिस्काउंट दिया गया। अब आपने देखा कि 7200 के बाद भी एक डिस्काउंट देके जो सेलिंग प्राइस बना वो इतना बना, कितना बना 6120 रुपये। तो आपने देखा डिस्काउंट कितने का गया, आपने देखा इन दोनों को माइनस किया तो डिस्काउंट कितना बन गया 1080 रुपये। डिस्काउंट परसेंटेज अगर मैं निकाल लूँ तो आपको पता है कैसे निकलती है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस लास्ट में रह कितना गया 7200, आप 10,000 रुपये नहीं निकालेंगे, आप निकालेंगे इसमें 7200 रुपये जो कि लास्ट में मार्क प्राइस आपका रह गया दो डिस्काउंट देने के बाद। तो आपने इसको सॉल्व किया, अब ये इतने पे गया और 72 को अगर मैं देखूं कि ये चला जाएगा 115 पे चला जाएगा, तो डिस्काउंट परसेंटेज आपको कितना दिया गया 15%, बाद में फिर डिस्काउंट दिया। क्वेश्चन बोला व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल इफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ k+20% इज अलाउड, मतलब मार्क प्राइस जो है वो कितना है 10,000 ही, और डिस्काउंट अब की बार एक ही दिया है, कितना k+20, k की वैल्यू 15 आ गई, 20 अगर मैं जोड़ू तो 35% डिस्काउंट दिया, मतलब मार्क प्राइस की कितनी वैल्यू पे बेचा 65% पे बेच दिया, 35% अगर छोड़ा तो बेचा कितने पे 65% की वैल्यू 6500 आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है 5x 4 2 3 y डिविजिबल बाय 88 जो है वो दो फैक्टर होते हैं क्या 11 और 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 नंबर, क्योंकि ये जो होता है 2 का क्यूब होता है, ठीक है, लास्ट के 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो आपको पता है लास्ट के 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 अगर होना है तो आपको पता है 200 जो है वो कंप्लीटली जाता है किस पे 8 पे। 200 अगर कंप्लीटली जा रहा है तो लास्ट के 2 नंबर देखने पड़ेंगे, 2 नंबर जो हैं आप देखोगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लगा दो मतलब मैं 32 बना दो, तो 232 जो है एग्जैक्टली 8 पे जाएगा, तो y की वैल्यू जो आ गई आपके पास 2 आ गई। आपको पता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 3 नंबर, क्योंकि 8 जो होता है 2 का क्यूब, क्यूब मतलब 3 मतलब लास्ट के 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। अगर 16 होता उसका डिविजिबिलिटी रूल आपको पता करना है, तो 16 क्या होता है 2 की पावर 4, तो लास्ट के 4 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 16, और अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल तो लास्ट के 2 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ये सब आपको पता ही है, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, अब y की वैल्यू आपके पास 2 आ चुकी है, और ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, बहुत रिपीट हुआ है। आप CPO 2020 के जो क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मैंने डाली है, CGL की भी है और CGL 19 की भी है, CPO 19 की भी है, क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप एक बार देखना। तो आपने क्या किया, सम ऑफ ऑड डिजिट अगर आपने जोड़े 5 4 9 12, और सम ऑफ इवन डिजिट जब आपने जोड़े तो आपने देखा ये कितना हो गया 4+x, इसकी वैल्यू जो है आपकी 0 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने देखा यहाँ से आ गया 8 - x, तो x की वैल्यू इधर 8 आ जाएगी, ठीक है। तो आपको बताना क्या है 5x - 8y, तो 5 × 8 और 8 × लास्ट में क्या था 2, ठीक है, 40 - 16, इसकी वैल्यू आपके पास 24 आ गई, तो 24 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BC, मान लीजिए ये BC और ये A, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC इज इतना। आपको पता है ये एंगल बाइसेक्टर, और एक सेकेंड,
ठीक है, मतलब ये एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर हो गया और ये जो है एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो यहां पे जाके मिला। तो ये पॉइंट जो है आपको पता है क्या होता है, इन सेंटर होता है ये पॉइंट। तो ये वाला जो एंगल होता है एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय टू होता है। तो इस इन सेंटर पे बोला आपको कि एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर, एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर ये, ठीक है, और एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर ये, इन दोनों के बीच में जो एंगल है इसकी आपको वैल्यू दी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 132 डिग्री। तो यहाँ पे आपने 132 पुट किया तो 90 अगर घटाऊँ मैं 132 में से तो कितना आ जाएगा, 42 का दो गुना करूँगा तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी जो आपसे पूछी है कितनी आ गई, 84 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। इन सेंटर पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये रिपीटेड ही चल रहे हैं क्वेश्चन, कुछ नया नहीं पूछा गया, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में नए आते हैं, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है क्या, सम दे रखा है इतना, इसकी अमाउंट बन गई इतनी, रेट इतना है, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली इन अ सर्टेन टाइम। आपको पता है अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 और यहां पे कितना आ जाएगा टाइम। तो अमाउंट कितना आ गया 9075 और सम कितना 7500 और 1 प्लस रेट, रेट आपको इतना दिया, ठीक है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहा हूँ क्या, कि ये जो है 75 पे अगर मैं काटूँ तो 100 आ जाएगा, अगर मैं इसको 75 पे काटूँ तो 121 आ जाएगा, जो कि 11 और 10 का स्क्वायर है। और इधर भी क्या लिखा है, 11/10 की पावर टी। तो टाइम जो आ गया आपके पास कितना आ गया, 2 साल। आपसे पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट बताना है, सेम सम है कितना 7500, टाइम सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू तो बड़ी आसान हो गई निकालनी अपने लिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1500 आएगा भैया। लो जी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, इसको आपने सॉल्व किया तो पहले तो आप डिवाइड करो, डिवाइड जब आपने किया तो आपको पता है 26 जो है इसको कितने भी काट देगा, 4 पे और फिर 4×26 52 104 और फिर बचा कितना 130 5। तो ये गया पहले तो 45 पे जाएगा 26 और इधर जो है 2 प्लस 9/8 इंटू 2 हो जाएगा जो कि 9/4 और माइनस 5/4 ये हो गया 4/4 1 और 2 प्लस 1 कितना 3 हो गया। और ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके, ऊपर आएगा आपके पास सॉल्व करके 33 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इतना द गेन इज 20% मोर देन द लॉस। सबसे पहले तो मैं एक चीज देखूंगा कि प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना है। आपने देखा कि अगर सेलिंग प्राइस इतना है तो गेन जो होगा वो 20% मोर देन द लॉस, अगर सेलिंग प्राइस हो इतना। तो आपने देखा कि लॉस के कंपैरेटिवली प्रॉफिट को बताया हुआ है कि अगर लॉस 100 होता तो प्रॉफिट जो है 20% ज्यादा होता, लॉस से तो प्रॉफिट कितना हो जाता 120 हो जाता। आपने मान लिया लॉस की वैल्यू कितनी है 100, आपने देखा गेन जो है 20% ज्यादा है तो मतलब प्रॉफिट की वैल्यू कितनी हो गई 120 हो गई, मतलब प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना हो गया 6:5। अब आपको पता है क्या, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो आपको दिया है यहां पे सेलिंग प्राइस कि जब प्रॉफिट पे बेचा तो सेलिंग प्राइस इतना, जब लॉस पे बेचा तो सेलिंग प्राइस कितना इतना। आप क्या करो इन दोनों सेलिंग प्राइस को ऐसे लिख लो, ठीक है। अब क्या करो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का जब आपने डिफरेंस लिया, जब मैं आपको प्रॉफिट और लॉस कराऊंगा उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से ये चीज बताऊंगा, अभी के लिए इतना जान लो कि आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है। आपके पास दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आ गया 30.8 आ गया। अब क्या करो ये जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है ना, इस रेशियो में इसको डिवाइड कर दो। आपने इस रेशियो में डिवाइड किया 6:5 में, तो आपने देखा 6 और 5 को अगर मैं जोड़ू तो 11 की वैल्यू आ गई 30.8। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आपको पता है 1 की वैल्यू आ गई 2.8 और 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको पता है 6 की जो वैल्यू आएगी वो 16.8 आ जाएगी और 5 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 14 हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू आई है आपके पास, ये प्रॉफिट आ गया आपके पास, ये लॉस, मतलब
इतना प्रॉफिट हुआ था जब आपने इसको इतने में बेचा था और इतना लॉस हुआ था जब आपने इसको इतने में बेचा था। सेलिंग प्राइस में अगर आप लॉस जोड़ दो तब आपका कॉस्ट प्राइस आएगा कितना, 230, और अगर आप सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट माइनस कर दो तब भी आपका कॉस्ट प्राइस आएगा कितना, 230। दोनों में कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम आएगा आपका। और ये क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो कि क्या मैं क्वेश्चन में सही जा रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन सही जा रही है। अगर आपका दोनों साइड कॉस्ट प्राइस आ जाए सेम तभी आप मानना कि आपकी वैल्यू सही जा रही है, नहीं तो आपकी वैल्यू गलत जा रही है। ठीक है, तो वास्तव में जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया आपके पास, 230। और आप क्वेश्चन में बोला है कि अगर आर्टिकल को इतने में बेचा जाए, कितने पे, 220.75 पे, 75 नहीं सॉरी 75 पे बेचा जाए, तो गेन और लॉस परसेंट क्या होगा, गेन होगा कि लॉस। आपने देखा कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा, मतलब लॉस ही होगा, प्रॉफिट तो होगा नहीं। ठीक है, अब उसके बाद अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। देखो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमारा बेसिक होता है वो क्या होता है कि हम इसमें कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, ट्रिक मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस आपके पास आ गया, कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया, तो आपने देखा लॉस कितने का हुआ, लॉस जो हुआ है वो 9.25 का हुआ है। और लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगी, लॉस्ट बाय सीपी इनटू 100%। सॉल्व कर लो, तो आपने देखा कि यहाँ से अगर मैं देखूँ 23 कितने पे जाएगा, 0.402, तो 4.02 जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 4% के, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी को ये बहुत ही बेसिक से करना है तो वैसे ट्रिक बहुत अच्छी है इसकी, बेसिक पे तो कहाँ जाओगे आप लोग, ट्रिक सही है इसकी, मतलब आपको इसमें, या फिर आप देखो आप अगर इतने पे बेचोगे, देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है दोनों बारी कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होती है, अगर आपके पास प्रॉफिट में गया तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस होता है, और फिर सेलिंग प्राइस प्लस लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस होता है। मतलब अगर आपने इस पे भी बेचा चाहे आपने इस पे भी बेचा, आर्टिकल तो एक ही है, उसका कॉस्ट प्राइस तो आपका एक ही रहने वाला है। ठीक है, तो आपने देखा सेलिंग प्राइस कितना, इतना, प्रॉफिट को आपने मान लिया कि प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो 6x आ गई। मैंने पहले भी आपको प्रॉफिट और लॉस का रेशियो निकाल के देखा, आपने क्या किया प्रॉफिट को 6x मान लिया, फिर 216, और लॉस को आपने 5x मान लिया, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू जब आएगी सॉल्व करके तो यहाँ पे आप पुट करना तो आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 246.8 माइनस 6x जब आप करेंगे, या फिर 216 प्लस 5x जब आप करेंगे तब भी आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी। क्वेश्चन में बोला है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर वोकेशनल कोर्सेज एंड 5 इंस्टीट्यूट ए बी सी डी और ई, द रेशो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर वोकेशनल कोर्स इन इंस्टीट्यूट ए सी एंड ई इन 2016 में ए सी और ई रेशो बताना टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी एंड डी इन 2018। अच्छा, आसान है, 7, 5, 12, 2, 20, और इसका जो रेशो आएगा आपने देखा इसको सॉल्व किया तो 20, 2, 6, 420। ठीक है, और इसका जोड़ करके कितना आ जाएगा, 280। 420 और 280 का रेशो 140 पे जाएगा, 3:2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर वीसी वोकेशनल कोर्स जो है इन इंस्टीट्यूट सी इन 2013, 2014 और 2017, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन द ऑल 5 इंस्टीट्यूट्स इन 2018। पहले तो इसका जोड़ 282 और 417, 138 में अगर जोड़ दूं इसमें तो यहाँ पे टोटल करके कितना आ गया, पहली बात तो इसका 700 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 140 में से 5 कम, यहाँ पे 2, 7 कम, और 7, 5 और 2 जोड़ दिए, चलो 700 आ गया यहाँ से। और 2013-14 इंस्टीट्यूट सी 13, 14 और 17,
ठीक है, तो आपने देखा 260, 260 में 125 अगर मैं जोड़ू तो 385 आ जाएगा। तो 385 जो है वो कितना परसेंट हो जाएगा इसका, कितने का, 700 का। तो 385 बाई 700 इंटू 100 75 जा 35 और फिर तो 55% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है 2016 से 2020 तक हाउ मेनी मोर ट्रीज वर प्लांटेड इन अहमदाबाद एज कंपेयर टू ट्रीज प्लांटेड इन पुणे। अच्छा, मतलब अहमदाबाद में 2016 से 2020 तक, एक मिनट, फ्रॉम 2016 टू 2020 हाउ मेनी मोर ट्रीज वर प्लांटेड इन अहमदाबाद एज कंपेयर टू ट्रीज प्लांटेड इन पुणे। अच्छा, मतलब दोनों का डिफरेंस बताना है भाई, 2016 से 2020 तक अहमदाबाद में कितने ट्री प्लांट किए गए, कितने ज्यादा ट्री प्लांट किए गए एज कंपेयर टू पुणे। तो आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना, 700, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 450, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 560, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 50, और इन दोनों का डिफरेंस कितना, 100। यहाँ से 150 आ गया, और अगर मैं 560 में जोड़ू तो कितना आ गया, 710 में 1410, और 1410 1860 विल बी द करेक्ट आंसर। एक बारी देख लेते हैं, 1860 है ना, हाँ है 1860, हाँ हाँ 1860 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला बाय व्हाट परसेंटेज, बाय व्हाट परसेंट आर द एरियाज ऑफ अमित एंड सुरेश। अमित ये है, सुरेश ये है, इनका जो एरियाज है वो इतना है, कितना हो गया, 12300। टेकन टुगेदर लेस देन एरियाज ऑफ नितिन और वरुण, नितिन का इतना, वरुण का इतना, टेकन टुगेदर कितने परसेंट कम है, ये कितना हो गया, 12500, 200 कम है। पूछा किस पे है, नितिन और वरुण के एरियाज पे, ठीक है, तो ये 125, ये कितना आ गया, ये जाएगा 25 पे, तो 8/5 हो जाएगा, ठीक है, तो 8/5 का मतलब क्या हो गया, 1.6, 16/85, हाँ 1.6, तो 1.6% इज द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है, तो अब हमने 4 वीडियोस कर चुके हैं हम लोग, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो, सीजीएल 2020 मेंस की अच्छे से हो जाएगी, सीजीएल 2021 प्री की अच्छे से हो जाएगी तैयारी, और फिर सीएचएसएल 21 आना है, फिर सीपीओ 21 आना है, सबकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। कमेंट कर लेना, फॉलो कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें, थैंक यू।